हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं सोनिया तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल में शिव सोनी ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है और मैं जो हूँ अपने घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, और मैं मेरे जो कमरों में हैं वो झाड़ू लग चुकी है। तो अब मैं जो है अपने बाहर का एरिया जो है वो झाड़ू लगा के साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और तो फिर जब तक मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो झाड़ू का काम है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरे घर में अपने झाड़ू लगा ली है, और अब झाड़ू लगाने के बाद मैं अब अपने घर में पोछा लगाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने किचन में पोछा लगाने जा रही हूँ, और किचन में पोछा लगाने के बाद फिर मैं अपने रूम में और मंदिर में पोछा लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा किचन थोड़ा फैला हुआ है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो पहले मैं अपने किचन में पोछा लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। Oh.
अब हम आ गए हैं अपने किचन में और हमने अपने किचन में एक तरफ दाल चढ़ा दी है और एक तरफ चावल चावल हमारे बन रहे हैं। तो जब तक हमारे चावल दाल बनते हैं तब तक हम अपने कर लेते हैं सब्जी की प्रिपरेशन। तो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सब्जी। सब्जी हमने काट ली है। तो हमने सबसे पहले चूल्हे पे कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में सरसों का तेल डाला है और जब हमारा सरसों का तेल गर्म हो गया तो हमने उसमें मेथी दाना डाल दिया और जब मेथी दाना चटकने लगे तो उसमें हरी मिर्च डाल देनी है और जब हमारी हरी मिर्च अच्छे से पक जाए तो हम उसमें सबसे पहले बैंगन डालेंगे और बैंगन डालने के बाद हम बैंगन को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जब हमारा बैंगन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम उसमें जो भी हमारे मसाले हैं वो मसाले हम डालेंगे। तो मसाले में हमने लिया है हल्दी, लिया है एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा सब्जी मसाला। उसके बाद हमने इन मसालों को, जब हमारा बैंगन जो हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम इन मसालों को सब्जी में डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये मसाले ले रखे हैं। तो अब इन सूखे मसालों को हम इन बैंगन में डाल देंगे और इसको डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और जब हमारा मसाला भुन जाएगा तो मसाला भुनने के बाद हम इसके अंदर आलू डालेंगे और आलू डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे और जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर हल्का सा पानी डालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग आलू बैंगन की रसेदार सब्ज़ी बना रहे हैं। ये हमारा मसाला देखिए भुन गया है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा हल्का पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा रसे वाली नहीं, हल्का रसा डालना है हमें इसमें। तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और फिर इसे 2 से 3 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अभी मेरे पास टमाटर नहीं था तो मैंने फ़िलहाल सब्ज़ी को खट्टा करने के लिए टमाटर की जगह पे मैंने इसमें जो आम की कलियां होती है, खटाई जिसे कहते हैं, शायद आप लोग जानते हों, तो मैंने वो आम की जो 2 कलियां लेकर इस सब्ज़ी के अंदर डाल दिया है, क्योंकि आम की कली डालने से भी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग के पास कभी अगर ना रहे टमाटर तो आप आम की कलियां डालकर भी बैंगन की सब्ज़ी बना सकते हैं और अगर आम की कली भी नहीं है तो आप उसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसमें आम की 2 कलियां जो हैं डाल दी हैं और अब इसे 2 सीटी आने तक हम इसका ढक्कन जो है बंद कर देंगे। तो जब तक हमारी इधर मैंने दूसरी तरफ मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई है, जैसा कि बताया कि मेरे हस्बैंड को तोरी की ही सब्ज़ी बताया गया है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हो गया है शाम का समय और हमें लगी है भूख, तो चलिए बनाते हैं सूजी का हलवा, क्योंकि यही है जो फटाफट बन सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए सूजी का हलवा बनाते हैं। तो हमने कढ़ाई गर्म कर ली है और उसमें सूजी डाल दी है और हम सूजी को तब तक भूजेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो अब हमारी सूजी जो है हल्की ब्राउन हो गई है तो हम इसमें थोड़ा सा जो है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो भी है इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डालेंगे। तो हमने पहले इसमें रिफ़ाइंड ऑयल नहीं डाला था, क्योंकि अगर पहले डाल दो तो सूजी जो भुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अगर बिना कुछ रिफाइंड या घी डाले जो है सूजी आराम से भुन जाती है। और दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है पानी गर्म करने के लिए रख दिया है सूजी में डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं अब थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल मिला लूँगी और रिफ़ाइंड ऑयल मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी देर और भुनेंगे इसे। और जब हमारा सूजी और रिफ़ाइंड दोनों बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर
स्वाद अनुसार अपने चीनी डाल देंगे। जैसे कि जिसे कोई हल्का खाना है तो वो हल्की चीनी डाले, तो हम लोग हल्का ही खाते हैं, तो फिर इसमें मैंने हल्की आधी कटोरी करीब चीनी डाली है। तो चीनी डालने के बाद इसे फिर थोड़ी देर चलाना है। जब हमारी चीनी थोड़ा सा घुलने लग जाए तो तब तक चलाते रहना है, और उसके बाद फिर जब हमारी चीनी एकदम मिक्स हो जाए सूजी के अंदर, तब हमें जो है ये गर्म पानी इसमें धीरे धीरे हलवे को चलाते हुए, धीरे धीरे सूजी को चलाते हुए इसमें गर्म पानी डालना है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ये ठंडा पानी डालने से इसमें जो है वो गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं। और इसे बराबर चलाते रहना है पानी डालने के बाद, जब तक कि ये पकने ना लग जाए, और इसे तब तक पकाते रहिए जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। और जब हमारा हलवा जो है अच्छे से पक जाएगा, तो पकने के बाद ये चारों तरफ से जो है हलवा हमारा कढ़ाई छोड़ने लगेगा, और जब हलवा कढ़ाई छोड़ने लग जाए तो समझ लीजिए कि हमारा हलवा कंप्लीट तैयार है। और इसके अंदर अगर आप लोग अगर डालना चाहें, मैंने नहीं डाला है फिलहाल, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ कसा हुआ नारियल था, वही डाला है मैंने। आप लोग लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं इसमें, जो भी आपको पसंद हो, कोई भी ड्राई फ्रूट्स। तो फिलहाल मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला, सिर्फ नारियल कस के डाला है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा हलवा जो है कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है, इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोगों को मेरी इस इंस्टेंट हलवे की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, हलवा तैयार है, जिसे जिसे खाना है आ जाइए। तो फ्रेंड्स, फिर आप लोगों से मिलते हैं हलवा खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का समय, और हम लोगों ने अपनी शाम की चाय पी ली है और हलवा भी खा लिया है। तो हलवा जो था वो अच्छा था, टेस्टी था। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो जो था कैसा लगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, तो फिर अब मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आप लोगों से फिर मिलते हैं अपने एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।